दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज जो है यहाँ पर जयंत चौधरी के लिए ये मंच बनाया गया है। लोकदल एक जाति की पार्टी नहीं है, हम अपना दायरा बढ़ाना चाहते हैं। जो भी गांव में समाज के लोग रहते हैं उनके बीच जाकर उनको सम्मान देते हुए हमारे साथ जुड़े हुए भी लोग हैं, उनकी भावना भी समझने के लिए प्रयास। और 1500 गांवों में मैं खुद जाऊँगा, इसका प्रभाव पड़ेगा। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है, उत्तर प्रदेश के जनपदों में बड़ी संख्या में ऐसे गांव हैं जहां कभी मेरा दौरा नहीं हो पाया, तो मेरा प्रयास उन लोगों तक पहुंचाएगा। अच्छा है, अमेठी सांसद राहुल गांधी कह रही है कि सौभाग्य है कि मैंने राहुल गांधी को अमेठी से वायनाड भेज दिया है। हाँ भेज दिया है, वायनाड। वायनाड से तो जनप्रतिनिधि चुने गए हैं और इस बार तो चुनाव नहीं लड़े थे यूपी से, लेकिन इतना अहंकार नहीं पालना चाहिए। उन्होंने कुछ नहीं किया तो जनता ने उनको चुना, उनको अवसर दिया, जनता अपना मन बदल भी सकती है। अच्छी बात है, 2000 रुपए के नोट है उनके पास है, दूसरे वाले हैं। चौधरी साहब लोकसभा में विधानसभा में सपा के साथ गठबंधन रहा जी, निकाय चुनाव में कई जगह आपके प्रत्याशी लड़े, निकाय पे नहीं हो पाया, कई जगह आमने सामने हो गए, समन्वय नहीं बन पाया। गठबंधन बरकरार रहेगा? नहीं है बरकरार, उसमें कोई चेंज नहीं है। वर्तमान में स्टेटस सही है, सब सपा और आपका जो है गठबंधन जो है आपका सपा के साथ वो रहेगा। मैं थर्मोमीटर डाल के बताऊंगा आपको बुखार कितना है। दिल्ली में केंद्र का जारी अस्पताल केजरीवाल को कांग्रेस का समर्थन मिला है, इसका क्या कहना है? देखिए सुप्रीम कोर्ट के संविधान बेंच ने एक निर्णय लिया है तो उसका भी सम्मान होना चाहिए। मैं नहीं समझता क्या हड़बड़ाहट केंद्र सरकार के सामने है, क्या जल्दबाजी है कि तुरंत बाद उन्होंने इस तरह का वो अधिसूचना जारी की है। वैसे भी ऐसे चीज़ों में पहले पार्लियामेंट को कॉन्फिडेंस में लिया जाना चाहिए। सर अब राज्यसभा में पेश होगा, ऑर्डिनेंस पास कराएंगे? नहीं, प्रैक्टिकली ऑर्डिनेंस इमरजेंसी होती है तब ऑर्डिनेंस पास, इसमें क्या इमरजेंसी थी, क्यों तुरंत इस तरह की कार्रवाई सरकार ने उठाई? और साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन भी फाइल किया है। जिस सरकार का कानून मंत्री खुलेआम सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई को जो है चुनौती देता हो, अब वो तो बदल गए हैं, अब तो भाभी जी का पापड़ मिलेगा आपको। संसद का नया भवन का उद्घाटन होगा 28 तारीख को जी, विरोधी पार्टियां सब विरोध कर रही है। देखिए विरोध तो हमने भी किया था कि संसाधनों का दुरुपयोग है, कोई आवश्यकता नहीं थी। पुरानी एक निर्माण का इतिहास होता है और आप ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाके देखेंगे तो पुराना ही निर्माण है, वहाँ MP साथ ऐसे फंस के बैठे होते हैं जैसे आज हम लोग मंच पे बैठे हैं, उससे कोई शोभा कम नहीं होती। उस स्थान का एक विशेष इतिहास है, उसी तरह हमारे भारतीय पार्लियामेंट का भी बहुत अच्छा डिज़ाइन था, एक इतिहास था। लेकिन अब क्या सवाल करने, जब नया निर्माण हो चुका है तब उसमें हम सब लोग शामिल हैं, अब तो वहीं जाएंगे, अगला सत्र भी वहीं होगा, मैं भी वहीं जाऊँगा। ऐसा तो नहीं है कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, मैं भी वहीं जाऊँगा। इनॉग्रेशन की बात हो रही है कि प्राइम मिनिस्टर नगर राष्ट्रपति करें, उसका इनॉग्रेशन जो है राष्ट्रपति करें, ये मांग की जा रही है। द्रौपदी मुर्मू तो देख मांग तो कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी मालूम है कि अब राष्ट्रपति किसी चीज़ का उद्घाटन नहीं करें। नीतीश कुमार जो व्यवस्था चल रही है देश में सबको मांग, नीतीश कुमार और खड़गे ने और राहुल गांधी से मुलाकात की है, क्या नजर से देखते हैं? तो उनके ऑलरेडी एक अलायंस है, बिहार में गठजोड़ का हिस्सा है कांग्रेस पार्टी, तो उन्होंने बातचीत की होगी। नार्को टेस्ट का कोई प्रावधान नहीं है और कहीं भी जो दोषी होता है कुछ मांग नहीं कर सकता कि आप पहले नार्को करें तब मैं नार्को करूंगा, ऐसी कोई बात नहीं। ये तो एक पंचायत हुई, महम चौबीसी ने एक निर्णय लिया, आप मुझसे पूछें तो ये मांग हमें उठानी ही नहीं चाहिए। कानून तो कहता है गिरफ्तार करो, गिरफ्तारी क्यों नहीं हो? ममता बनर्जी से मुलाकात, क्योंकि ये लाई डिटेक्टर टेस्ट भी परफेक्ट नहीं होते हैं, ये हम नहीं सोच सकते कि परफेक्ट टेस्ट है, इसमें अपनी कमियां हैं। अच्छा धीरेन्द्र शास्त्री उन्होंने कहा कि भारत में रहना होगा तो सीताराम कहना होगा, भारत में रहना होगा तो सिर्फ 5 रुपए का सिक्का मिलेगा, बाकी सारे नोट वापस लाओ।